Hey guys, मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी सैम और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं उनके लिए और आज का वीडियो एक प्रैंक वीडियो होने वाला है। पता है किसके साथ? विशाल के साथ। और हम प्रैंक कर रहे हैं हमारे मैनेजर्स पे, एक अरिंजे और दूसरा अमन। और क्या होगा, कैसे होगा, ये आप वीडियो में आके देखो। और आ जाओ, तुम आ ही रहे हो तो आ जाओ, जाओ जाओ देखो वीडियो, बहुत मजा आएगा आप लोग को। जल्दी जाके देखो, जाओ बाय, बताना एंड में कैसी लगी। Hey guys, मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी सैम और विशाल पांडे। और आप सब लोग बोल रहे हैं कि प्रैंक करो प्रैंक करो प्रैंक करो विशाल के ऊपर, विशाल के ऊपर प्रैंक करना। मत करो यार, बहुत डिफिकल्ट हो गया। और हाँ, डिफिकल्ट भी बहुत है। मैंने कब किया तेरे ऊपर प्रैंक? कब नहीं किया तूने? एक फोन पे किया था ना। अरे वो प्रैंक नहीं होता, वो दो मिनट का, एक मिनट का भी प्रैंक नहीं था। तो अब हम साथ में प्रैंक करने वाले हैं। भाविन तो नहीं कर सकते क्योंकि भाविन आउट ऑफ नेटवर्क है फिलहाल, और भाविन बहुत छाना भी है, वो समझ जाएगा। हाँ। हम दोनों करेंगे तो हम लोग अमन पे कर रहे हैं। आप लोग अमन को जानते रहोगे। हाँ। वो हम उस पे करने वाले हैं कि मेरा और समीक्षा का बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है, टॉक अबाउट इट। और ऐसा तो नहीं चलने वाला है। और बेसिकली उसको इस चीज़ से वैसे भी बहुत डर लगता है कि ऐसा अगर कुछ सिचुएशन आ गया तो उसे डर ही लगता है। तो हम उसको और आज डराने वाले, तो लेट्स एक्चुअली कॉल हिम। मुझे लगता है वो इतना साउथ दिल्ली वाला को बात कुछ ऐसी है, घर जैसी है। आज क्या होने वाला है अमन के साथ, लेट्स सी, देखते हैं एक्शन पता चलेगा। स्टार्ट मैं स्टार्ट करती हूँ, बट यू शुड पिक द कॉल। उठाएगा ही नहीं पहली बात तो। उठा ले रे बाबा, उठा ले। ये हमारे ऊपर प्रैंक हो जाएगा। बेइज्जती प्रो मैक्स। अगर अमन ने नहीं उठाया तो क्या करेंगे? अरिंजे को कर देंगे फिर। हेलो, बोलना। दो मिनट है आपके पास? नहीं। मिनट ही है, बोल। नहीं, दो मिनट नहीं, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कम से कम 5 मिनट। किस किस बारे में? आपको पता है ना, अभी आपको पता नहीं आइडिया, मैं आपको बताया था ना, मैं विशाल के साथ अभी कंटेंट बनाने जा रही हूँ। हाँ, नहीं नहीं, वो 7 तारीख को है। आज विशाल और मैं मिले हैं और हम कॉन्टेंट बनाने आए थे आज। और प्रॉब्लम ये हो गई कि हम लोगों का हो गया फट्टे वाला झगड़ा अभी। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। आपको, हमें एक मीटिंग करनी पड़ेगी अभी और कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा हो गया कि सर के ऊपर बात निकल गई है, मेरे 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 बस के बाहर से है अभी ये बात। चल, मैं समझ गया। रुक, मैं तेरे को थोड़ी देर में कॉल। नहीं नहीं, थोड़ी देर में नहीं, मेरे को अभी बात करनी। अरे मैं अभी नहीं कर सकता, रुक जा। अरे विशाल बगल में है, उसको भी बात करनी है आपसे। अमन सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, दो मिनट सुन लो। आई थिंक ना ये ऐसा नहीं है कि देखो, बहुत टाइम से तो ये स्ट्रेस 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 करके ना अभी तो आज फिर वो बस्ट हो गया, समझ रहे हो आप। और हम लोग ने म्यूचुअली डिस्कस किया ये चीज़, ऐसा नहीं कि हाँ झगड़ा हुआ है, बट हम लोग ने म्यूचुअली डिस्कस किया कि अमन से बात करते हैं और अमन को बोलते हैं कि एक मीटिंग फिक्स करते हैं। बट आप अभी एक हम लोग को टेम्प्रेरी सोल्यूशन तो दो। नहीं, अभी अभी तो बात करो, मीटिंग तो फिक्स कर लेना, वो तो लंबी बात होगी। अभी तो बात, अभी मैं मतलब अभी 2 मिनट तो बात करो। ठीक है, मैं तुमको थोड़ी देर में कॉल बैक कर रहा हूँ और फिर हम उससे बात कर रहे हैं, ठीक है? मत करो फोन, मत करो, तुम एकदम बगैर हो, तुम पागल हो, एकदम एकदम पागल, तुम फालतू हो, रहने दो, बात ही नहीं करनी। पागल नहीं हूँ यार, मेरा एक हम लोग वैसे भी वैसे भी तुम प्रैंक हो चुके हो, छोड़ो जाने दो। अच्छा ठीक है, देख इसको, ये समीक्षा ना हंस दी, समझ रहे हैं जब वो बोली ना कि नहीं यहाँ ये पागल है ना, हंस दी ये। अच्छा ठीक है, चलो बाय, ये प्रैंक सक्सेसफुल नहीं हुआ तुमसे, ना हो पाएगा। हम दूसरा प्रैंक करेंगे, ये नहीं सक्सेसफुल। अरिंजे को फोन कर दे। हाँ, अरिंजे को अच्छा वाला करूंगी भी। अभी गुस्से वाली समीक्षा बाहर आनी चाहिए। कहने में हिचकिच। मिक्स की गोली लो, खिचकिच दूर। हेलो। हाँ जी सर। फ्री हो क्या आप 2 मिनट?
आपको पता था ना यहाँ विशाल के यहाँ आई हूँ और विशाल और मेरा फट्टे वाला झगड़ा हो गया अभी हमें मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है फिलहाल। हाँ मुझे पता था विशाल की तरह झगड़ा क्यों हो गया लेकिन आपको पता है ना विशाल का फिर आप बोल रहे हो कि कैसा झगड़ा हो गया। नहीं मुझे पता नहीं क्या हुआ झगड़ा मेरे को नहीं मालूम क्यों। अरे हद है यार ये इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है इसको कुछ बोलो ये कुछ अलग ही करेगा। एक तो कंटेंट बनाएंगे तो इसको ये वही कंटेंट बनाना है जो मेरा कंटेंट रहेगा। ऊपर से बीच में कंटेंट बनाते बनाते मेरे को छोड़ के चला गया ये घर पे चला गया। घर पे थे आप ऑलरेडी कही ना उसके। अच्छा वो नीचे थे क्या। हाँ नीचे गए थे हम फिर ये ऊपर चला गया। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर वापस उसके घर बात करने के लिए। मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है यार। एक मिनट रुको क्या है ये तरीका विशाल क्या है ये तुम मुझे नीचे छोड़कर ही आ गए। तू बात कैसे फालतू जैसे कर रही थी ना लेकिन मैं फालतू बात नहीं सुन के लूंगा तो आखिरी बार बोल रहा हूँ ये चीज। ये क्या मतलब ये क्या बात हुई छापने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली और आखिरी बात मेरा खुद का है और मेरा खुद का दिमाग से लगाता हूँ मैं सोच के आता हूँ तो छापना ये करना वो करना किटकिट मेरे को चाहिए नहीं समझा। वैसे भी मैंने वो चीज़ और इसलिए मैंने वो बचाने के लिए ऊपर आ गया मेरे को ना करने का भी नहीं है। मैंने वैसे भी वो मजाक में बोला था विशाल तुझे पता है वैसे भी हम दोनों का कंटेंट वैसे भी सेम ही रहता है। अरे लेकिन तू मजाक भी मत करना। इतना भी मजाक तेरे से बर्दाश्त नहीं होता विशाल। अरिंजे मेरे को नहीं पता तुम इससे बात करो इसको समझाओ। अरिंजे कोई बात नहीं एक मीटिंग फिक्स करते हैं। हाँ ये करना पड़ेगा यार ये तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से बहुत अभी प्रॉब्लम हो रहा है। अमन को भी इसमें इन्वॉल्व करो और एक मीटिंग करो अभी ये होएगा नहीं अपन से। मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे अलकट हंस। क्या बोला ठीक है बोला। यार तुम समझ रहे हो ना 1.5 साल से देख रहा हूँ 1.5 साल में संभाला हूँ खुद टीम तिगाड़ा मैं खुद संभाला हूँ 1.5 साल। उसको पता है झगड़ा नहीं हो सकता ऐसा। जिधर वो ब्लैक स्पेस आएगा एकदम साइलेंट जोन आएगा तभी मेरी मेरी हंसी ना छूट जाए। यार क्या यार तो तुम प्रैंक हो चुके हो अरिंजे। अरे प्रैंक क्या मेरे को भी साथ तो देना पड़ेगा ना। मेरे को पता है अगर देखो शूट वूट हो रहा रहेगा तो फिर मेरे को तो देना पड़ेगा साथ। तुम्हें कैसे पता शूट हो रहा है क्या श्वेता ने तुम्हें कॉल करके बताया था। मैं श्वेता को बहुत मारूंगी। नहीं मेरे को कुछ बताया नहीं था लेकिन तुमने स्टार्ट किया था मैं तो ही सोचा फिर उसके बाद विशाल का आवाज आया तो बोला यार तो हम तो बहुत हम तो ऑथेंटिक झगड़ रहे थे फिर तुमको कैसे आइडिया। अरे यार 1.5 साल तो मैं खुद मैनेज किया ना तीन टिकाड़ा। क्या यार कोई फायदा नहीं है अपने अपने लोगों को पता है कि अपन झगड़ नहीं सकते। हट यार फालतू यार हट। चल बाय तो बाद में कॉल करते हैं बाय। शी यार प्रैंक वेस्ट हो गया ये अपने लोगों को पता है अपन झगड़ ही नहीं सकते। वही ना लोग को पता है ना कि ये तो गलत ही है तो बिलीव नहीं कर सकते लोग ये चीज की नहीं है चलो पागल बना रहे तो। शी यार चलो एनीवे बट अच्छा है कि बहुत पहले भाविन पे एक बार काम कर गया था ये चीज बट वो रियल में था ना वो क्या थिंक दिवाड़ा के चैनल पे किया था अपन ने। पर अपन ने कितना प्रिपरेशन किया था उसके लिए विशाल ये वो अलग था वो कितना बैठे ये लाइन वो लाइन तू ऐसा बोलेगा मैं ऐसा बोलूंगी क्या वो था वो कुछ अलग था। यहाँ पे ये लोग हमें इतना ज्यादा भी दिख चुके हैं इतने सालों में कि इन्हें पता है कि ये क्या कर सकते हैं हमारे साथ। अभी ये कॉल कर रहा है मुझे उसको कुछ तो चाहिए होगा। कौन है अरिंजय। तो एनीवे आई होप आप लोगों को हमारी कोशिश पसंद आई हो। आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर प्रैंक करूं तो मुझे कमेंट्स में बताना। मेरे सामने ही हाँ तो मेरे सामने बोल रही है कि इस पे प्रैंक करूं तो मेरे को कमेंट्स में बताओ मैं तो हो जाऊंगा प्रैंक। हाँ तो हो जाएगा तेरे से पहले मेरे चैनल पे प्रैंक कर दूंगा मैं। तू ऑलरेडी कर चुका है अभी मेरी बारी है प्रैंक करने की। गाइस 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 और सब चीज़ों को हटा के मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि तीन तिगाड़ा का कभी झगड़ा नहीं हो सकता। तीन तिगाड़ा झगड़ा कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात समीक्षा के चैनल समीक्षा का चैनल अभी एक्टिव है मेरा भी चैनल काफ़ी एक्टिव होने वाला अभी ब्लॉग के मामले में और तीन तिगाड़ा का चैनल भाविन क्योंकि बाहर है हम लोग थोड़े से बंधे हुए हैं उस चीज़ को लेके बट भाविन जैसे ही आएगा हम लोग फुल ब्लो में बड़ा सा बड़ा कॉन्टेंट देंगे तीन तिगाड़ा चैनल पर हम प्रॉमिस करते हैं आपको। ऐसा कॉन्टेंट हमने कभी चैनल पर नहीं दिया रहेगा वैसा कॉन्टेंट हमने सोचा है बट जस्ट भाविन को आन दो
पता है बहुत ज्यादा वेट हो गया है। एक्चुअली एक बारी को हमने सोचा कि क्या हम दोनों स्टार्ट करें, बट हम दो भाविन के बगैर तीन तिगाड़ा का चैनल नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि एक बारी भाविन वापस आ जाए तो हम वापस से तीन तिगाड़ा का चालू करेंगे। एंड ट्रस्ट अस, हम भी अपनी तरफ से बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इस चीज़ में कि हम वापस तीन तिगाड़ा को ला सके। आप बहुत लोगों के मन में ये डाउट्स है कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ भी नहीं है, हो भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमारा शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे दाँत दुख रहा है वहाँ पे, तो क्या क्या करवाया, कल निकलवाना है, सॉरी इस साइड मारती हूँ। तो हमारे बीच में कुछ नहीं है, सब अच्छा है, और तीन तिगाड़ा कभी अलग नहीं हो सकता, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड बताओ मुझे कमेंट्स में क्या प्रैंक चाहिए आपको इस पे, चलो प्रैंक हो जाइए ना। हाँ ठीक है, चलो वो फेक कर रही हो, मैं फेक हो जाऊंगा। अरे नहीं फेक नहीं, मैं एक्चुअली करूंगी तेरे ऊपर। एंड अपने मन में रखियो कि तू प्रैंक हो रहा है ऐसा, ठीक है, मैं ऑडियंस को मत बताइयो, मुझे भी मत बताइयो, ऐसा मन में प्रैंक हो जाएगी। ठीक है चलो गाइस, तीन तिगाड़ा, लव यू, बाय। अच्छा ओके, हैप्पी 800 की परीक्षा। अरे आधा आधा खाओ ना, एक टीका, एक टीका, एक चॉकलेट का टीका, हल्का सा, तू भी तो खिला।